बात बिहार की। कल लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर उतरा। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर जाकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस और सुरक्षा बलों को बीच बचाव करना पड़ा, जिनके साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई और करीब एक घंटे तक पटना की सड़कों पर यह तमाशा चलता रहा। कल लालू से जुड़ी बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स ने कई ठिकानों पर रेड मारी थी, जिसे लेकर कार्यकर्ता काफी आक्रोश में थे। बीजेपी दफ्तर पर पटना में हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, जो कि लालू यादव के जो यहाँ जो छापा पड़ा था उसको लेकर उनमें नाराजगी थी। क्या हुआ था ये बताइए। अचानक हम लोग कार्यालय में थे, अचानक उन्होंने आरजेडी के लालू यादव जिंदाबाद करते हुए आकर अचानक हमला कर दिया भाजपा कार्यालय में और ईंट पत्थर का बरसात कर दिया, जिसमें हमारे दर्जनों लोग घायल हैं। तो ये पुलिस भी यहाँ पर पहुंची। अब बीजेपी के कार्यकर्ता आप सड़कों पर हैं, आप देख सकते हैं पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हो रही है, भक्कन दुखी हो रही है। और हम बता दें कि बीजेपी दफ्तर पर ये हमला हुआ है और यहाँ पर ईंट पत्थर भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 50-100 की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है, रोड़े बरसाए हैं यहाँ पर।